और अब खबरें विस्तार से। जाने माने मैजिशियन किंगशुक कुमार ने यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आंखों में पट्टी बांधकर बाइक की सवारी की। शहर के जाने माने मैजिशियन किंगशुक कुमार ने लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए अपनी आंखों में काली पट्टी बांधकर बाइक की सवारी की। किंगशुक कुमार का कहना है कि आंखों में पट्टी बांधकर जब वे यातायात नियमों का पालन कर सकते हैं तो लोग खुली आंखों से क्यों नहीं करते। ब्लाइंड स्पॉट टूर करने जा रहे हैं, ब्लाइंड स्पॉट टूर है, बालू नमक शीशा आंख में मेरा डाला जाएगा। फिर मैंने चार पट्टी बांध के अपना बाइक में चलाएंगे, साक्षी होते हुए, बिष्टुपुर होते हुए, कदमा सुनाई। इसका कारण ये है कि ये ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन मैंने जो करने जा रहा है। ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन क्या है कि मैंने मेरे आंख में जब सारा चीज डाला जाएगा, इसके बावजूद मैं जब ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करूंगा तो आम जनता जो है खुली आंख में क्यों ट्रैफिक सिग्नल फॉलो नहीं करती। समाज सेवी विकास मुखर्जी ने निको पार्क से झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं दूसरी ओर लाख चेतावनी और जुर्माना के बावजूद लोगों ने मानो यातायात नियमों को तोड़ने की ठान रखी है। विभिन्न स्थानों पर यातायात पुलिस ने बिना हेलमेट सवारों को पकड़ा और जुर्माना भी वसूला। तो लोग समझे ट्रैफिक में जो भी नियम है, प्रत्येक दिन आप देख रहे हैं हर तरह की जो हादसाएं होती आ रही है, और इनको जो है बार बार पेपर के माध्यम से, टीवी चैनल, पोस्टर के माध्यम से, हर जगह से, सरकार के स्तर से, हम लोग के स्तर से सारा चीज जो है समझाने का प्रयास किया जा रहा है, फिर भी ये जो है अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे हालत में इनको जो है जागरूक करने के लिए हम लोग ये कदम उठाए हुए। वर्मा माइंस लाल बाबू फाउंड्री के पास अवस्थित दुकान को असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाने का मामला प्रकाश में आया है। वर्मा माइंस स्थित लाल बाबू फाउंड्री के पास अवस्थित एक झोपड़ी नुमा दुकान में असामाजिक तत्वों ने कथित तौर पर आग लगा दिया। हालांकि आग लगने से असली वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। दुकानदारों ने बताया कि वहां 15 दुकानें हैं, यदि समय रहते फायर ब्रिगेड की टीम नहीं आती तो बड़ा हादसा हो सकता था। जब आए दुकान जला हुआ देख रहे हैं। क्या चीज़ दुकान था? ये खाना का था, नाश्ता का था, ये सब। कितना पुराना है? पुराना कम से कम हो गया 10-15-20 साल हो गया दुकान। कौन जला, पता चला? नहीं, ये तो पता कैसे चलेगा। कौन सी जगह है? लाल बाबा फाउंड्री। लाल बाबा फाउंड्री क्या चीज़ का है? यहाँ पे लड़का लोग आता था पीने खाने के लिए, रोज डेली आता था। गुप्ता जी मना करते थे, फिर भी उन लोग नहीं मानता था। उन लोग जबरदस्ती यहाँ पे बैठ के दारू पीता था और रात को जला वला दिया, टेबल वुल तोड़ उड़ दिया। कालीमाटी रोड में सड़क दुर्घटना में मृत जीतन चटर्जी के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर लोगों ने गोलमोरी थाना में हंगामा किया। कालीमाटी रोड में शुक्रवार को टाटा 407 की चपेट में आने से जीतन मुखर्जी की मौत हो गई थी। रविवार को मृतक परिजनों और बस्तीवासियों ने 15 लाख मुआवजे की मांग को लेकर गोलमोरी थाना में हंगामा किया। थाना प्रभारी ने वाहन मालिक और मृतक के परिजनों के साथ बैठक कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया। उचित मुआवजा मिलना चाहिए और गाड़ी के मालिक के प्रतिनिधि आ चुके हैं गोलमोरी थाना। गाड़ी का ऑनर आएंगे, हमारे वरीय पदाधिकारी बड़ा बाबू है यहाँ पर, बात करेंगे, उचित फैसला किया जाएगा, सम्मानजनक समझौता। प्रशासन केस करेगी, मनाके तक जाएंगे, केस करेगी, मालिक अंडर कस्टडी जाएंगे, और क्या हो सकता है। इस पे स्कूटी में अपनी बेटी को लेके आ रहे थे, उसी क्रम में एक
ट्रक ने टक्कर मार दी है और अभी परिजन लोगों का आरोप है कि इसमें बढ़िया से जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंटेंशनली मारा है, पर प्रथम दृष्टया तो मामला एक्सीडेंट का लग रहा है। हम लोग जैसे परिजन आवेदन देंगे और हम लोगों ने अपना जांच शुरू कर दिया इसमें। मानगो के रहने वाले आजसू कार्यकर्ता राहुल भट्टाचार्य की बीती रात एमजीएम में मौत हो गई। देर रात को तबीयत बिगड़ने के बाद उसे एमजीएम में भर्ती कराया गया था। मानगो के रहने वाले आजसू के सक्रिय कार्यकर्ता राहुल भट्टाचार्य की देर रात तबीयत बिगड़ जाने के बाद परिजनों ने उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। सुबह जिला अध्यक्ष शंभू चौधरी ने अस्पताल पहुंचकर पूछताछ की, मगर मौत का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। उधर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजे जाने में काफी विलंब भी किया गया। भट्टाचार्य जी तबीयत अचानक खराब होने से कल रात में उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद हॉस्पिटल लाया गया। उसके बाद वो मृत घोषित हो चुके हैं और सुबह से प्रशासन को सूचना दी गई है कि भाई बॉडी को यहाँ से रिलीज किया जाए। अब चूंकि नौजवान लड़का है तो पोस्टमार्टम की मामला आया है, पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन को हमने खबर किया है, वो आ रही है। लेकिन सुबह से मामला था, प्रशासन की लापरवाही के कारण अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाई है। धतकीडीह में बरसों से दुकान चलाकर रोजी चलाने वाले मोहम्मद जफर अली को बिल्डर द्वारा धमकाया जा रहा है और दुकान जबरन खाली करने को कहा जा रहा है। धतकीडीह टीओपी के सामने छोटी सी दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले मोहम्मद जफर अली उर्फ लाल को बिल्डर बबलू कुमार द्वारा धमकी दी जा रही है। जफर अली ने कहा कि बरसों से वे दुकान चला रहे हैं और ऐसे में अचानक उसे हटा दिए जाने से उसके परिवार के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वे चाहते हैं कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो तो वे हटाने को तैयार है। फिलहाल पुलिस मामले को देख रही है। रेंट पे है, मकान मालिक था करीब, वो अभी डेट कर गया तो अभी उसके बड़ा अभी लड़का को दे देते तो नहीं दिया, तो हम लोग एलडीओ से भी लिखा के हमारा मकान मालिक डेट कर गया है और बड़ा कोई दे रहा नहीं है लड़का लोग ने। कितने साल से ये दुकान है? 1972 से करीब है। इस दुकान से कितना परिवार आपका चलता है? ये हम लोग अपना 6 भाई है, फिर हम लोग परिवार चल रहा है और अभी हम लोग सब मैंने 3 तो शादी हुआ है, उसके बाल बच्चा है, वो लोग जाएंगे कहाँ। और अभी तो दो आदमी आए थे, एक चांद और एक तो बबलू बोल के है, दोनों आए थे। बहुत से आदमी तो लड़का लोग को लेके आए थे, जैसे भी आए थे तोड़ने के लिए हम लोग दुकान को। तो क्या धमकी दे रहे हो आप लोग? धमकी दे रहे, खाली करो नहीं तो जान मार देंगे, जैसे भी चला देंगे ऊपर तुम लोग। हम बोला दुकान टूटेगा तो बोला अंदर में ही कर लेंगे तुम लोग। अगर दुकान आपका टूट जाएगा तो आपके कितने परिवार भुखमरी के कगार में? अरे 6 परिवार, 6 भाई है, माँ है, माँ बेवा है, उसको देखभाल कौन कर।